तो so गाइस जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूँ यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ का आपको लोन मिलने वाला है वो मिलने वाला है एक लाख रुपए तक का जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने एक लाख रुपए तक का लोन है नई एप्लीकेशन है एन बी एफ सी रजिस्टर कंपनी है और जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ यहाँ पर आपको कुछ ही चीज़ जो है प्रोसेस कंप्लीट करना होता है जैसे कि के वाई, वाई रिव्यू होगी उसके बाद कुछ थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉमेशन आपको देनी होगी लाइक वर्क इन्फॉर्मेशन उसके बाद लोन ऑफर आपको शो होगा लोन डिटेल्स में जाकर जैसे कि यहाँ पर इस केस में अभी यहाँ पर आप लोग दे सकते हो कि इन्होंने एक डमी के तौर पे बता रखा जी आपको दस हज़ार रुपये का लोन है दो महीने के लिए तीन महीने के लिए छः महीने के लिए ये प्री अप्रूव है ये फाइनली अप्रूवल नहीं है इसे ये प्री अप्रूव कहते हैं कि लोन अमाउंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल उसके बाद ई साइन और ई मेडिडेट आपको करना होगा जब जाके ई मेडिडेट आप करोगे तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा देखिए कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं जब मैं अप्लाई कर रहा था थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा इस वीडियो में तो पूरी वीडियो को पूरा ही वॉच करिएगा पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे ये अप्लीकेशन लोन देती है फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी अप्लीकेशन है और इस अप्लीकेशन का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो फर्स्ट फर्स्ट आपको यहाँ पर पैन नंबर फिल करना होगा और जैसे ही आप अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस केस में नाम शो हो जाएगा आपका जैसे कि इस केस में मेरा नाम शो हो रहा है इवन यहाँ पे मैंने पैन नंबर अपना डाला तो यहाँ पर मेरा नाम शो हो गया रंजीत जैसे ही आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर नाम शो हो जाएगा आप चाहो तो इसके क्यू आर कोड करके भी बार कोड को क्यू आर कोड करके भी अपलोड कर सकते हो लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा आप मैनुअल ही यहाँ पर अपलोड कीजिएगा इवन जैसे ही आप ये कम्प्लीट करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा आधार ई के वाई सी लाइक मैं आपको बता अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है ऑलरेडी तो आपको एक वी के सी के वाई सी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैं आपको भी इसी वीडियो में बताऊंगा अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी तो यहाँ पर आप वेरीफाइड पे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आधार ओ टी पी जैसे आप यहाँ पर फिल करते हो तो यहाँ पर मेरे केस में आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा लिंक है ऑलरेडी तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा जो है नाम डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग ऑल चीज़ें यहाँ पर शो हो गई क्योंकि मेरा पैन कार्ड लिंक है तो इसे हम कहते हैं सी के वाई सी सी के वाई सी तब सो होता है यहाँ पर एक नंबर होता है सी के वाई सी का ये सीक्रेट नंबर होता है क्योंकि ये अगर मान लीजिए आप अगर आपको सी के वाई सी करनी होती है किसी बैंक में या फिर किसी एन बी एफ सी अप्लीकेशन में तो आपको सी के वाई सी नंबर डालना होता है ना कि आधार कार्ड ना कि पैन कार्ड नंबर सी के वाई सी जो तो नंबर होता है एक तरह का आधार नंबर ही मान लीजिए कि आधार नंबर आप डालोगे ओ टी पी डालोगे फिल कर लोगे लेकिन सी के वाई सी में ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको सी के वाई सी जहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पे अगर सी के वाई सी नंबर आप डाल देते हो और जैसे ही आप नंबर डालोगे तो आपका नाम आपका पैन कार्ड नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग ऑल चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी जो लिंक होगी इसकी एक फैसिलिटी है काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है अब मैं बात करता हूँ भाई कौन सी ये एप्लीकेशन है देखिए गाइस में एप्लीकेशन का नाम आपको दिखा देता हूँ सो गाइस एप्लीकेशन का नाम है ई जी फाइनेंस रिसेंटली ये एन बी एफ सी आरबी रजिस्टर कंपनी है दो मई को ये अपडेट हुई थी बुड्ढा लोन एप्लीकेशन का सिमिलर एप्लीकेशन है देखिए पहले बुड्ढा लोन एप्लीकेशन आती थी लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़्ढा लोन की सिमिलर एप्लीकेशन है थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है लेकिन हाँ रियलिटी में आपको बताऊँ जैनमेन अप्लीकेशन है यहाँ पर आपको लोन ऑफर मिलने वाला है देखिए यहाँ पर अगर आप चाहो देखिए अगर आप जैसे ही लॉग करोगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो तो सिविल चाहिए काफ़ी बेटर चाहिए मतलब जो अगर आपका जो सिविल है वो आपको बेटर होना चाहिए दूसरा प्लस पॉइंट आप किसी भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर लो किसी भी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लो जब आप आधार ओ डालोगे जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर उस नंबर से लॉगिन हो जाएगा जी हाँ जिस नंबर से आप लॉगिन करोगे वो कंपलसरी नहीं है लेकिन जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप समझ लो तो कितना जहन एप्लीकेशन है कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है इसमें आई लाइक कुछ भी आप नेगेटिव मत डालिएगा इवन आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे रिकमेंड नहीं है और वैसे भी एन में मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करता हूँ क्योंकि सिविल पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है का इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने